सभी किसान भाइयों को इस किसान भाई का नमस्कार। मित्रों, 19 सितंबर के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था मात्र 20 रुपए में जैविक कीटनाशक किस तरीके से तैयार किया जाए। उस वीडियो को आप सभी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मित्रों, उससे जुड़े कई सारे सवाल भी मुझे कमेंट्स में पूछे गए कि क्या जैविक कीटनाशक का रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर वो असर करता है या नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के रिजल्ट पर बात करेंगे। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक वो 20 रुपए में जैविक कीटनाशक बनाने वाला वीडियो नहीं देखा हो, तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, यदि हम उसकी रिजल्ट की बात करते हैं तो जैविक कीटनाशक के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बस कुछ परिस्थितियों में उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं जहाँ पर हमने रासायनिक दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया हो। यह जैविक कीटनाशक बनाने से पहले इसका प्रयोग मैंने किया, मेरे साथ कई सारे किसान मित्र जुड़े हैं, उन्होंने भी इसका उपयोग किया और जब बेहतर रिजल्ट हमको मिला तब जाके आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया। मित्रों, जब मैंने जैविक कीटनाशक बनाने के लिए वीडियो बनाया उसी टाइम मैंने उसके रिजल्ट का भी एक वीडियो बनाया था जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वैसे मेरे पास बेहतरीन कैमरा नहीं था, फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने 2 बार करके उसके रिजल्ट को शूट किया है, तो आप उसको देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कितना अच्छा इसका रिजल्ट हमको मिलता है। जो रिजल्ट हमको देखना है, मैंने वीडियो के रेड सर्कल में वहां पर उसका इफेक्ट आपको बताया है, तो आप उसको देखें ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से जैविक कीटनाशक अपना काम करता है और कैसे इसके रिजल्ट हमको मिलते हैं। तंबाकू वाले जैविक कीटनाशक का रिजल्ट देखने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे पास तंबाकू का जो बना हुआ गोल है, और अब इस गोल को हम इस टंकी में डाल रहे हैं, और इस ये 15 लीटर की टंकी है पानी की। ये गोल डालने के बाद इस पानी का जो कलर रहता है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। ये देखिए, आप इसका कलर लाल हो चुका है, और अब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करेंगे। मित्रों, अब हम इन पौधों पर हमारे बनाए गए जैविक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, और हम रिजल्ट देखेंगे कि इसके प्रयोग से सफ़ेद मच्छर, हरी मक्खी किस तरीके से प्रभावित होती है, या फिर उन पर इस कीटनाशक का क्या असर होता है। तो इन पौधों पर हम स्प्रे कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी हम देखते हैं कि इनके स्प्रे करने के बाद क्या प्रतिक्रियाएँ होती है सफ़ेद मच्छर, हरी मक्खी पर। दोस्तों, अब आपको वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखना होगा, क्योंकि ये सफ़ेद मच्छर और हरी मक्खियाँ होती है बहुत छोटी होती है और आसानी से दिखाई नहीं देती है। अब वीडियो में हम एक मच्छर को नोटिस कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने रेड सर्कल में एक मच्छर दिख रहा है, वो अभी हलचल में थोड़ी बहुत हलचल कर रहा है, और इस पर इस कीटनाशक का छिड़काव हो चुका है। तो देखिए, आप रेड सर्कल के अंदर वो मच्छर हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। अब हम कैमरे को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, उसने अपनी हलचल बंद कर दी है, मतलब स्प्रे होने के तुरंत बाद वह मर चुका है, पूरी तरीके से मर चुका है, बिल्कुल इसने हिलना बंद कर दिया है। थोड़ा सा गौर से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि बारीकी से आपको बता सके, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिख रहा है। मित्रों, ये दूसरा प्रयोग हम जैविक कीटनाशक का कर रहे हैं। यहाँ पर एक पत्ते के ऊपर सफ़ेद मच्छर बैठा हुआ है, जिस पर हम जैविक कीटनाशक जो कि तंबाकू से अपनों ने बनाया था उसका स्प्रे हम करेंगे। जैसे कि आपने रेड सर्कल में देखा है कि एक पत्ते के ऊपर ये सफ़ेद मच्छर बैठा हुआ है और इस पत्ते का रस चूस रहा है। अब हम इस पर सीधे स्प्रे तंबाकू वाले जैविक कीटनाशक का करेंगे। मुझे कैमरे को थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रे से कैमरा ख़राब हो जाएगा। चलिए, रेड सर्कल के अंदर मच्छर बैठा हुआ है और हमारा स्प्रे आ रहा है। ये हम इस पर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद देखिए, ये हलचल में आता है और अपनी जगह चेंज करके थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब नीचे आने के बाद हम इसको जूम करके देख रहे हैं किस तरीके से स्प्रे आया था, और ये स्प्रे आया था इस पर और ये थोड़ा सा हलचल होकर नीचे आ गया था। अब नीचे आने के बाद ये पूरी तरीके से मर चुका है, मतलब एक बार स्प्रे हुआ है और ये पूरा ख़त्म हो चुका है। देखिए आप, इसके पूरे पंख अलग अलग हो गया और मच्छर वहीं पर मर चुका है। तो ये थे जैविक कीटनाशक के रिजल्ट, जो कि काफ़ी बेहतरीन मुझे मिले और शायद आप लोगों को भी मिलेंगे। आप इसका उपयोग करें और दूसरे किसान भाइयों को भी बताएं।
ताकि हम सब किसान भाइयों को फायदा पहुंचे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुंचे और उनको इसका फायदा हो सके। मित्रों, ये था हमारा जैविक कीटनाशक का रिजल्ट जो कि अपनों ने वीडियो में दो इफेक्ट में देखा है। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने जो किसान भाई है उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय किसान।